शुक्रवार को उत्तराखंड की लोक भाषा पर आधारित गढ़वाली फिल्म मेरू गांव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। इस दौरान शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा, सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी सहित कई फिल्मी कलाकार भी पहुंचे। देहरादून के राजपुर स्थित एक निजी सिनेमा हॉल में फिल्म का विमोचन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी देखने को लेकर उत्साह दिखा। वहीं गीता धामी ने फिल्म को लेकर कहा कि फिल्में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषा और पलायन से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता देती है। साथ ही उन्होंने फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी को भी शुभकामनाएं दी। बता दें कि फिल्म में पहाड़ों के गांव का स्वर्णिम युग से लेकर आज, जब गांव में पलायन से दुर्दशा हो रही है, तब तक का फिल्मांकन किया गया है। साथ ही पलायन व परिसीमन के मुद्दे को भी दर्शाया गया है। देखिए, हमारे गंगोत्री फिल्म्स के द्वारा आज मेरे गांव यहां पे फिल्म का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही सुंदर, अपने पहाड़ों की जो है संस्कृति वेशभूषा भाषा को दर्शाती है ये पिक्चर। जो है हमारे सभी को जो है अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है, और एक तरफ तो जहाँ ये हमारे दर्शकों का मनोरंजन करेगी, और साथ ही साथ हमारी लोगों को, अपनी जो है पीढ़ियों को अपनी भाषा से, अपनी परंपरा से जोड़ने का भी काम करेगी। और जो है अतीत के उन जो है दृश्यों को दिखाया गया है, और अभी तक के जो अभी की स्थिति है उन सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और बहुत ही सुंदर जो है निर्माण इसका हुआ है। मैं प्रोड्यूसर और हमारे सभी एक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है और उत्तराखंड की जो हमारी पलायन की समस्या है, इस पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है। और पलायन ना हो इसके लिए भी इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं, निश्चित रूप से ये पिक्चर जो बनी है, जो इसके निर्माता हैं, जो इसके कलाकार हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर ये बनाई है। इसमें सभी चीज़ें हैं, इसमें जो है पहाड़ का दर्द भी दिखाया गया है, और भरपूर मनोरंजन भी इसमें किया गया है। और जो इसमें विशेष तौर से जो देखा गया है कि हमारा जो पहाड़ का पलायन है वो तो किस तरीके से रुके, ये भी इस पिक्चर में दर्शाया गया है। मैं जितने हमारे इस पिक्चर के निर्माता हैं, जितने हमारे कलाकार हैं, वो तो उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और ऐसी पिक्चरें बनती रहेंगी तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा पलायन भी रुकेगा, और जो उत्तराखंड, जो इस समय पूरे देश में जो है उत्तराखंड में सब लोग आना चाहते हैं, चाहे वो पिक्चर बनाने के बहाने आए, चाहे किसी बहाने आए, उत्तराखंड में आना चाहते हैं। और आने वाले समय में जो है ये उत्तराखंड जो है पिक्चरों का हब बनेगा। बेसिकली ये फिल्म दो दौर की है, एक जब हमारा गांव जिंदा थे पहाड़ के, और उसमें जो रौनक होती थी जब लोग वहाँ रहते थे, तो जो उनका प्रेम भाव था, हंसी मजाक था, एक तो वो है, और दूसरा अब जब गांव मर रहे हैं, जब वहाँ चार लोग भी नहीं रह गए हैं, जो अभी अगर आप सेकंड हाफ में देखेंगे तो वो बहुत इमोशनल और वो हिस्सा है, जब वो सब ख़त्म हो चुका है, जो झलक आपको फर्स्ट हाफ में देखी भी होगी। और इसके अलावा मेन जो फिल्म है वो इशू है परिसीमन पर, ये फिल्म है जो अब सेकंड हाफ में आ रहा है, कि हमारे पहाड़ के लिए ये उत्तराखंड बनाया गया था, और पहाड़ की विधानसभा सीटें घटती जा रही हैं, और 2026 के परिसीमन में वो फिर वहाँ पहुँच जाएंगी उनकी सीटें जो यूपी के टाइम पे होती थी। तो ये फिल्म परिसीमन, पलायन और पहाड़ की भाषा को डेडिकेटेड। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।